नमस्कार दोस्तों, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय व्यूअर्स। आपका स्वागत है योर नॉलेज शो में। दोस्तों, आज से लगभग एक महीने पहले मैंने आपके साथ एक स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च के संबंध में एक न्यूज शेयर की थी, जिसमें मैंने बताया था कि बहुत जल्द इसरो यह सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जो भारत को एस्ट्रोनॉमी फील्ड में नई ऊंचाइयों को अचीव करने में मदद करेगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, भारत ने साल की शुरुआत एस्ट्रोनॉमी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक ब्लैक होल के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह भेजकर की है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने साल के पहले दिन एक नई सफलता हासिल की है। आपको बता दें, ये खास इसलिए हो जाता है क्योंकि ये भारत का पहला पोलर एमिट्री मिशन तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ पूरे दुनिया का ये सेकेंड मिशन है। दोस्तों, पोलर एमिट्री का मतलब आसान भाषा में जो ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार के रेज निकलते हैं उसके बारे में स्टडी करना। अब डिपेंड करता है कि हम कौन से रेज के बारे में स्टडी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जिस रे की स्टडी की जाएगी वो है एक्स रे। यहाँ पर उसके बारे में ये स्टडी किया जाएगा कि वो जो रेस निकल रहा है वो कहां पर बेंड हो रहा है, कहां पर ऑब्जर्व हो रहा है, उसका नेचर कैसा है, एटसेट्रा। इसरो ने भारत का पहला ऐसा सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है जो कि रेडिएशन, ब्लैक होल, पल्सर और आकाश गंगाओं का अध्ययन करेगा। इस तरह का कारनामा करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित लॉन्चिंग साइट से लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट को नाम दिया गया है एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट, यानी एक्सपोसैट। इसरो ने इसके साथ ही 10 अन्य पेलोड भी लॉन्च किए हैं। 9.5 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए इस सैटेलाइट को तैयार किया गया है, जिसे बनाने की शुरुआत साल 2017 में की गई थी। इसमें हाई फ्रिक्वेंसी और हाई रिजोल्यूशन वाले कैमरे लगाए गए हैं, जो कि ब्रह्मांड में सबसे तेज चमकने वाले 50 ऑब्जेक्ट की स्टडी करेगा। इसकी लॉन्चिंग सोमवार 1 जनवरी 2024 को सुबह 9:10 को लॉन्च किया गया। सैटेलाइट को PSLV 58 के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। इसमें जिस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया है उसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। सैटेलाइट की आयु 5 वर्ष बताई जा रही है। लॉन्चिंग के 22 मिनट के अंदर ही ये धरती की कक्षा में पहुंच गया। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित ये सैटेलाइट अगले 5 सालों तक धरती से 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित रहेगी। इसमें 2 पेलोड हैं, पहला पोलिक्स और दूसरा एक्सपेक्ट। दोस्तों, गौरतलब है कि भारत से पहले अमेरिका इस तरह की सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। बता दें कि अमेरिका ने दिसंबर 2021 में अपनी इसी सैटेलाइट की मदद से सुपरनोवा विस्फोट के बाद पैदा हुए धूल के कणों, ब्लैक होल्स का अध्ययन कर चुका है। अमेरिका के बाद इस तरह की सैटेलाइट लॉन्च करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इस सैटेलाइट लॉन्च ने यह सिद्ध कर दिया है कि अंतरिक्ष में इस तरह के अभियानों के लिए भारत तैयार है। इसरो ने बताया कि इस उपग्रह का लक्ष्य सुदूर अंतरिक्ष से आने वाली गहन एक्सरे का पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण पता लगाना है। ये किस सेलेस्टियल बॉडी से आ रही है, ये रहस्य इन किरणों के बारे में काफी जानकारी देते हैं। पूरी दुनिया में एक्सरे पोलराइजेशन को जानने का महत्व बढ़ा है। ये बॉडीज या संरचनाएं ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद न्यूक्लियस आदि को समझने में मदद करता है। इससे सेलेस्टियल बॉडीज के आकार और रेडिएशन बनाने की प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।